अज़्म, किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत तब नहीं। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है जरूरी, और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर ले, अपनी हद में ठहरे। उभरना और फिकरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा चुपचाप बहना। वाह। किसी का हुक्म है इस गुलशिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते, कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते। क्या बात है जावेद साहब, जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो, कि जब एक रंग में सौ रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते। क्या इशारा है, वाह जावेद साहब वाह। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते, कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो, कि जब एक रंग में सौ रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में हथकड़ी में कैद खानों में नहीं रुकती, ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। जनाब जावेद अख्तर साहब इस देश के बड़े शायर हैं, उनकी नज्म का मैं जवाब तो नहीं दे सकता, पर अपनी भी बात कहने का हक तो हमें है। तब मैं कमलेश मौर्य मृदु एक नज्म प्रस्तुत कर रहा हूं, कि हवाएं पूछ कर हमसे चले मत, हवाएं पूछ कर हमसे चले मत, हम मगर गुलशन के फूलों को खले मत। हवाएं पूछ कर हमसे चले मत, मगर गुलशन के फूलों को खले मत, है गर रफ्तार बेढंगी तो उसको रोकना होगा, है गर रफ्तार बेढंगी तो उसको रोकना होगा, हवाएं बदचलन होगी तो उनको टोकना होगा, हवाएं बदचलन होगी तो उनको टोकना होगा। नहीं ऐतराज है कोई, उठे लहरें बहे नदियां, नहीं ऐतराज है कोई, उठे लहरें बहे नदियां, सफीनों को डुबोए मत कि अपनी हद में रहे नदियां, सफीनों को डुबोए मत कि अपनी हद में रहे नदियां। जो नदियां दे रही धमकी हमें सैलाब की है, जो नदियां दे रही धमकी हमें सैलाब की है, जो नदियां दे रही धमकी विषैले आपकी है,
विगर औकात से आगे बढ़ी तो रोकना आता हमें है, विगर औकात से आगे बढ़ी तो रोकना आता हमें है, हम उन ऋषियों के वंशज हैं समंदर सोखना आता हमें है, हम उन ऋषियों के वंशज हैं समंदर सोखना आता हमें है। यही तो एक गुलशन है, यही तो एक गुलशन है जहां में जहां है फूल खिलते हर महक के, यही तो एक गुलशन है जहां में जहां है फूल खिलते हर नस्ल के, और यहां आबो हवा है हर किस्म की, पनपते बीज हैं हर एक फसल के, यहां आबो हवा है हर किस्म की, पनपते बीज हैं हर एक फसल के, हंसे हर रंग के मृद फूल ये हमको भी भाता है, हंसे हर रंग के मृद फूल ये हमको भी भाता है, और दिखाना आंखें गुलशन को नागफनियों का नहीं हमको सुहाता है, दिखाना आंखें गुलशन को कटीली नागफनियों का नहीं हमको सुहाता है, वो वंशज नागफनियों को जमाते आज अपनी धौंस गुलशन पर, वो वंशज नागफनियों को वो वंशज नागफनियों के जमाते आज अपनी धौंस गुलशन पर, पता शायद नहीं है नागफनियों को कि हम बन करके कान्हा नाचते हैं नाग के पन पर, पता शायद नहीं है नागफनियों को कि हम बन करके कान्हा नाचते हैं नाग के पन पर, नाग के पन पर।